हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विगोरा 100 mg 50 mg टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि विगोरा टैबलेट खाने से क्या होता है और इसे कितने उम्र तक के लोग कितना डोज लेना होता है। ये बात कोई नहीं बताता है आपको वीडियो में। मैं संपूर्ण बात पूरी बात वीडियो बनाऊँगा कि इसे अगर आप ये खाते हो टैबलेट तो आपको क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे और इसे खाने के बाद कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं खानी है जिससे आपको 100% रिजल्ट मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि विगोरा टैबलेट दो प्रकार में आते हैं, जैसा कि एक 50 mg की मात्रा में आती है, एक 100 mg की मात्रा में आती है। ठीक, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिल्डेनाफिल साइट्रेट होता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये वर्क कैसे करता है। ये वर्क करता है जैसे कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट होती है उसमें क्या करता है, रक्त प्रवाह को तेज़ कर देता है, जिससे क्या होता है हमारे प्राइवेट पार्ट्स में कठोरता पैदा होता है और जब भी हम संबंध बनाते हैं उस समय ये टाइट रहता है। अब ये बात समझ गए कि इसका वर्क क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। अब इसका मैं आपको बताऊँगा कि इसका सही डोज या सही खुराक क्या होता है। अगर आप संबंध बनाने जा रहे हो तो कम से कम 1 घंटा पहले इस टैबलेट को आपको ओरली लेना होता है, मुँह के द्वारा और पानी के साथ। अब इस टैबलेट को लेने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ भूल के भी नहीं खानी है, जैसे कि खट्टे फल हो गए, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसको भूल के भी नहीं लेना है। अगर आप लेते हो तो क्या होगा, आपका इसका रिजल्ट ना के बराबर देखने को मिलेगा और ये टैबलेट वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए आप खट्टे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना इस टैबलेट को लेने के बाद। और एक बात आपको याद रखना है कि खाली मतलब भर पेट खाना खा के आपको इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना है। आपको हल्के फल, हाफ फल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, खा के आपको इस टैबलेट को यूज करना है। अगर भरपेट खाते हो तो इस टैबलेट का असर कम हो जाता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। और तीसरी बात, अल्कोहल को इस्तेमाल नहीं करना है, आपको भूल के भी अल्कोहल इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसका दवा का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीन बात आपको मैं बता दिया, ये भूल के भी गलती नहीं करनी है। अब रही बात, मैं आपको बता दिया कि इसका वर्क कैसे करता है, इसे खाना कब होता है और इसके दुष्प्रभाव के बारे में बता रहा हूँ। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, जैसे कि सर भारी जैसे लगना, आँखों के नीचे अंधेरा आना, चकता, नाक से ब्लड आना और भी सारी प्रकार की आपको दिक्कतें को देखने को सामना करना पड़ सकता है। जिनको अगर इससे एलर्जी या गंभीर बीमारी है, जैसे कि हार्ट की बीमारी है और भी बीमारी है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर की देख रेख में ही इस टैबलेट को लीजिएगा, वरना आपको गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।